सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का इस नए यूट्यूब वीडियो में। अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रहा है, अभी करंटली 1 बज गया है। मैं जस्ट कॉलेज से आया हूँ एंड कॉलेज से आते ही मैंने एक मस्त शावर लिया एंड मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। सो रिसेंटली मेरे कॉलेज में वो फेज़ चल रहा है जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस देते रहने हैं टीचर्स को, ताकि आप इंटरनल्स कमा सको एंड यू पास द सेमेस्टर। तो मैं अपने कॉलेज के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि कॉलेज स्टार्ट होता है ना सेमेस्टर, तभी एकदम ईजी गोइंग रहता है एंड कुछ ज़्यादा लोड नहीं रहता है पढ़ाई वढ़ाई का। बट ऐसे ही अचानक से एक वेव आता है जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस, वायवाज एंड लिखना रहता है बहुत सारा, प्रेजेंटेशंस बना रहे रहते हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट्स। सो अभी करंटली वैसा ही फेज चल रहा है एंड बहुत ज़्यादा बिजी फेज चल रहा है, क्योंकि प्रेजेंटेशंस में मतलब अभी आई एम इन सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लेवल पे आ गया प्रेजेंटेशन ये सब। हम लोग को अभी एक सब्जेक्ट के प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए 1 हफ्ते लग जाएगा, बाकी प्रेजेंटेशंस अभी 7 सब्जेक्ट है हम लोग को, तो देखते हैं कैसे टाइम जाएगा। ये पूरा 1 महीना वैसे ही जाने वाला है एंड प्रेजेंटेशन हम लोग को फिलहाल एक ही सब्जेक्ट का मिला है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। एंड मार्केटिंग में हम लोग को मिला है कि हम लोग को एक खुद को एक फिजिकल प्रोडक्ट बनाना है, उसका प्रोटोटाइप बनाना है, जैसे समझो ये प्रोडक्ट बनाना है हमको, एंड इसको हम मार्केट में कैसे बेचेंगे, इसका प्रमोशन कैसे करेंगे, इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे एक्सेट्रा, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट दिया है हम लोग को। सो हम लोग को उसका प्राइस वाइज सब खुद से डिसाइड करना है एंड वो ऐसा होना चाहिए कि हम लोग फेक तो कर रहे बट वो एज अ रियल मार्केट में उतरे तो वो कैसा परफॉर्म करेगा प्रोडक्ट, तो वैसा प्रोजेक्ट करना है। फटाफट कॉलेज से आके ये म्यूसेली बनाया, क्योंकि ऑनेस्टली मैं इतना थका हुआ हूँ कि मेरे को ओट्स बनाने का कोई ज़ीरो मोटिवेशन है। एंड ओट्स बनाने में मतलब मेरा सिंपल रेसिपी है, तुम लोगों ने फुल डे ऑफ ईटिंग में देख लिया वैसे भी, बट उसको बनाने का मोटिवेशन नहीं है कि वो गैस वैस चालू करके ये वो। सो ये म्यूसेली एक ईजी उसका रिप्लेसमेंट है, इसमें उससे ज़्यादा प्रोटीन है टू बी ऑनेस्ट। तो अभी थोड़ी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। वैसे पढ़ाई में अभी तो कुछ है नहीं, क्योंकि SYBMS में कुछ अभी रिसेंटली ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ाए नहीं है एंड अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, तो थोड़ा जापानीज पढ़ने के लिए बैठूंगा मैं। बाय द वे मुझे जस्ट याद आया कि मैंने नो पम्प फिजिक अपडेट बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं दिया इस चैनल पे, एक ही बार दिया, तो अभी फटाफट दे देता हूँ तुम लोगों को फिजिक अपडेट। नो पम्प है एंड एक मील खाया मैंने, ऐसा कुछ दिख रहा है। बैक कैसे फ्लेक्स करूँगा भाई, एंड ऑल्सो रन पे भी जा रहा हूँ रिसेंटली। एंड ऑल्सो मेरा बॉडी वेट करंटली 71 kgs हो गया है, धीरे धीरे नीचे जाते जा रहा है एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ भी गेन करते जा रहा हूँ एंड मसल लॉस नहीं हो रहा मेरा। मैं सोच रहा हूँ ये छोटी सी हॉबी जो कि जापानीज है उसको थोड़ा सुधारूँ एंड इसको एक मेन थिंग में डालूँ, क्योंकि जापानीज़ एज अ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड ये मैंने इसके लिए चालू किया था क्योंकि मैंने एनीमे देखना बहुत ज़्यादा रिसेंटली शुरू किया था थोड़ा टाइम पहले, अभी तो टाइम ही नहीं मिलता एनीमे देखने का, बट ये एक एनीमे हॉबी काइंड ऑफ है कि मतलब एनीमे लवर्स को मालूम होगा कि विदाउट सबटाइटल्स सिर्फ जापानीज़ में तुम देख सकते हो एनीमे को, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है एनिमल लवर्स के लिए। तो मतलब मेन रीज़न वो था, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सीरियस में लेके जाऊँ एंड इसको N5, N2, N1 ये सब एग्ज़ाम्स होते हैं जापानीज़ के, वो सारे मैं इनरोल करके ट्राई करूँ। अभी करंटली तो मैं हिरागाना एंड काताकाना ही सीख रहा हूँ, ABCD रहता है ना अपना इंग्लिश में, वही है ये ABCD इन जापानीज़, वही सीख रहा हूँ। एंड ऑल्सो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं जापानीज़ कहाँ से सीख रहा हूँ, जापानीज़ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है, उनमें से एक वीडियो ये है लर्न हिरागाना इन 1 आवर हाउ टू राइट रीड जापानीज़, और ये यूट्यूब चैनल है लर्न जापानीज़, इससे सीख रहा हूँ मैं एंड देखते इससे सीख पाता हूँ कि नहीं। हिरागाना एंड काताकाना बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैंने लोगों को देख बोलते हुए कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में थोड़ा हार्ड गिरेगा, बट देखते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ये जो भी वीडियो है जो मैं देख रहा हूँ और सीख रहा हूँ तुम लोग भी सीख सकते हो। यार मैं पढ़ने ही बैठने वाला था एंड मैंने जैसे ही ये क्लिप रिकॉर्ड किया जो लास्ट वाला तुम लोगों ने क्लिप देखा, साकेत गोखले पोस्टेड है, साकेत गोखले का वीडियो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होते जा रहा है आजकल देखने को, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है
आई डोंट नो तुम लोग भी ऐसे मतलब मेरे वीडियोस को क्रेव करते होगे कि नहीं, बट मेरा मेन गोल ये है कि मेरे को क्वालिटी से इतना अच्छा करना है वीडियो कि मैं जैसे पढ़ाई छोड़ के साकेत गोखले का वीडियो देखने लग गया हूँ ना, इस लेवल की क्वालिटी चाहिए मुझे। सो या बाय द वे अवधूत से मेरी थोड़ी बहुत बात हुई हुई है, अवधूत शायद अपने वीडियोस देखता है, दिस गाय अवधूत सुपर हम्बल, एंड इसने मेरे को रिप्लाई दिया था, एंड ऑल्सो इसके बाद पढ़ने बैठेंगे फाइनली, साकेत गोखले का वीडियो मिस नहीं कर सकते। सो फॉर द प्री वर्कआउट मील मैं खा रहा हूँ सोया चंक्स एंड राइस, एंड मेरे फुल डे ऑफ ईटिंग में तुम लोग ने देखा रहेगा कि मैं पास्ता और सोया चंक्स खाता हूँ, एंड पास्ता और सोया चंक्स का रीज़न भी बताया था मैं क्यों खाता हूँ, बट आज मुझे पास्ता खाने का मन नहीं कर रहा है तो राइस खा रहा हूँ मैं, एंड यही आप थोड़ा स्विच अप कर सकते हो, थोड़ा चेंज अप कर सकते हो चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ को आपको फॉलो करना है, स्पेसिफिक चीज़ को ही खाना है, वो मैक्रोज मैटर करते हैं मेनली, एंड मैक्रोज मोस्टली इसके और पास्ता के सेम ही हैं, बस इसमें थोड़े ज़्यादा कार्ब्स हैं, एंड ये कार्ब्स थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट होंगे, एंड मुझे अभी एक दो घंटे में वर्कआउट करने जाना है तो ये मेरे लिए अभी अच्छा ऑप्शन है, तो मैं खा रहा हूँ। बाय द वे अभी हम लोग यहाँ पे आए वेलनेस फॉरएवर, दिखा दो थोड़ा, वेलनेस फॉरएवर आए क्योंकि थोड़ा कैफीन में हेल्प करता है, एंड बाय द वे आज हम लोग पुश ट्रेन कर रहे हैं, आज के पुश डे का गोल है 30 kgs के साथ 2 सेट परफॉर्म करना विद 8 repetitions, लास्ट टाइम मुझे 7-7 मिले थे, आज 8-8 मिल जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम मैं 32.5 अटेम्प्ट करूँगा, एंड या यही प्लान है आज का, ये पियेंगे फिर बाद में जिम के लिए निकलेंगे, जिम इज राइट देयर, किधर है बस। वर्कआउट, एंड आज मैंने इंक्लाइन पे 30 kgs के साथ 2 सेट परफॉर्म किया, सेम 7-7 reps मिले, बट मेरे को यूजुअली 2 सेट परफॉर्म करता हूँ मैं 30s के साथ, बजाद एक और सेट परफॉर्म किया एंड उसमें मेरे को सिर्फ 4 reps मिले, बट वो भी एक प्रोग्रेस है क्योंकि मैं लास्ट
सेट में 27.5 के साथ परफॉर्म करता हूँ। एंड या आज सारे एक्सरसाइजेस में हम लोग ने मोस्टली पीआर मारे। एंड इंक्लाइन में पीआर था, स्मिथ ओएचपी में मैं 20-20 ईच साइड परफॉर्म किया, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था 10-10 केजीज के साथ एंड अभी 20-20 पे पहुंच गया हूँ मैं। एंड इन द प्रोसेस मेरा शोल्डर बहुत ग्रो हुआ है। एंड और फिर किस में परफॉर्म किया, फिर मशीन चेस्ट प्रेस में मैंने टेम्पो पे फोकस किया। एंड या मैं इवन ट्राइसेप्स पे ज़्यादा प्रोग्रेस करते करते 50 केजीज के पुश डाउन पे पहुंच गया हूँ। एंड 50 केजीज इज क्वाइट अ लॉट, कितने लोग का तो बॉडी वेट होता है 50 केजीज। एंड तुम लोग खुश ही देख सकते हो कि पुश वर्कआउट कितना अच्छा गया है। एंड या अभी घर जाएंगे, पुश वर्कआउट मील बनाएंगे एंड फिर बाद में मैं एक छोटे से वॉक पे जाऊंगा। तो पुश वर्कआउट मील मैं खा रहा हूँ पनीर रोल, इसमें बेसिकली पनीर डाला है एंड पेरी पेरी में मैरिनेट किया था, आई थिंक सो या पनीर में मैरिनेट किया था, थोड़ा सा सॉस लगाया है। सो अभी करंटली 3000 स्टेप्स हुए मेरे आज के। एंड यू गाइज में भी थिंकिंग इतना स्ट्रिक्ट होने की क्या ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू स्टेप्स, अभी 6000 स्टेप्स या 7-8000 स्टेप्स बाद में कभी कर लेना, आज थोड़ा लीनियंट हो जा। बट ये मेरे को चीज़ क्लियर करनी है कि कार्डियो डेली क्यों करना चाहिए आपको एंड कार्डियो मैं रोज़ इतना सीरियसली क्यों करता हूँ। द रीज़न वाई आई स्टिक टू डूइंग कार्डियो, मतलब मैं इंटेंस कार्डियो नहीं करता बट एटलीस्ट लो इंटेंसिटी कार्डियो जैसे वॉकिंग करता हूँ मैं रोज़, क्योंकि मैं एक छोटे डेफिसिट में जाता हूँ एंड मेरे को थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा खाने मिलता है। 10,000 स्टेप्स में मैं अराउंड 300 कैलोरीज या 400 कैलोरीज बर्न करता हूँ एंड इट मीन्स कि मैं उसको खाने से रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं एक्स्ट्रा थोड़ा खाना खा सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी करंटली मेंटेनेंस पे खा रहा हूँ तो मेंटेनेंस पे मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो ये छोटे से डेफिसिट की वजह से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खाना खा के अपने आप को रिवॉर्ड कर सकता हूँ। एंड अगर आप भी अपने फैट लॉस जर्नी पे हो तो वॉकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो, क्योंकि आप सिर्फ अपना एक टिप देना चाहता हूँ मैं, अगर आपको रोज़ वॉकिंग को इनकॉर्पोरेट करना है। अभी जैसे मैं यहाँ पे बेसिकली रोज़ चलने के लिए आता हूँ, ये मेरे बिल्डिंग के नीचे है एंड इसको मैं इधर कुछ कार्स वार्स नहीं आ रहे ना, तो मैं कार्स नहीं आते तो मैं बेसिकली कुछ भी यूट्यूब वीडियो या एनीमे देखते देखते चलते रहता हूँ यहाँ पे। एंड मैं 2-3 एपिसोड के बाद आए रियलाइज़ कि मेरे 10,000 स्टेप्स के ऊपर हो जाते हैं, मेरे को पता भी नहीं चलता, ईयरफोन डालता हूँ कान में एंड मेरे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। तो ये एक टिप है जो आप फॉलो कर सकते हो एंड इसकी वजह से मेरे स्टेप्स तो बहुत ऊपर गए। लेट मी नो कि आपके स्टेप्स इसके वजह से ऊपर जाते हैं कि नहीं। एंड ऑल्सो अभी 10,000 स्टेप्स कंप्लीट या 12,000 स्टेप्स कंप्लीट करके घर पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे को मीटिंग अटेंड करना है, वो प्रेजेंटेशन ये सब का पूरा प्रेजेंटेशन मुझे ही बनाना है, मेरे को और मेरे साथ दो दोस्त हैं मेरे, वो लोग के साथ प्रेजेंटेशन बनाना है, सो उस पे लगेंगे। एंड इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, एक लाइक छोड़ देना एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू व्यूअर। मिलते हैं अगले वीडियो में।